था कि जिस प्रकार से 9 साल से मोदी सरकार अहंकार में लोगों की है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, अब समय आ गया है क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। और वो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ये बेरोजगार जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकम टैक्स की सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम पांचों स्टेट ही पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय उद्योग में घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ईआरसीपी को राष्ट्रीय उद्योग में घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी मोड में रहते हैं 2400 घंटे और 365 दिन तो हो सकता है चुनावी मोड में आए, लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो चुनाव स्टेट्स के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में फीडबैक लिया गया, कैसी तैयारियां चल रही है उसके बारे में चर्चा की गई। और राहुल गांधी जी खड़गे साहब का पूरी तरीके से संदेश था कि जिस प्रकार से 9 साल से मोदी सरकार अहंकार में लोगों की है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, अब समय आ गया है क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ये बेरोजगार जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकम टैक्स की सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम पांचों स्टेट्स में दम से लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे और 2024 में इंडिया जीते। मोदी जी आज तक तो कुछ देखे गए नहीं, 5-6 सभाएं हुई जो फ्लॉप रही है उनकी, आप सीकर की देख लीजिए, अजमेर की देख लीजिए, और हमारी सभाओं में लोग आ रहे हैं, उनके में उनकी फूट उजागर हो रही है, आपस में उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, जनता का उनको कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय उद्योग में घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ईआरसीपी को राष्ट्रीय उद्योग में घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी मोड में रहते हैं 2400 घंटे और 365 दिन तो हो सकता है चुनावी मोड में आए, लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो जुमलेबाजी की सरकार है, और राजस्थान की सरकार काम करने वाली सरकार है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार दिल से।